बहुत अच्छा किया, जो भी ऐसे जाता है ऐसी ऐसी ओबीसी वाला जो जाता भगाओ, बढ़िया। जो काम बुद्धिजीवी वर्ग को करना चाहिए, समझा रहे हैं, समझने को तैयार नहीं है और वो फिर भी जा करके गालियां खा रहे हैं, दुत्कार खा रहे हैं, तो उनके साथ यही होना चाहिए। और जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद। अरे तुम्हें वहाँ अपमान ही मिलता था, राष्ट्रपति गोविंद के साथ में किया गया, वो तो राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने बाद में क्या पब्लिकली मैसेज गया था, उन्होंने जीने पे ही वहाँ पे सीढ़ियों पे जा करके उन्हें दर्शन कराया, मम्मी उनकी पूजा पाठ कराई। तो आप है कौन भैया, किस स्थिति में कहाँ जा रहे हो? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उन पुजारियों को, उन मनवादियों को जिन्होंने उसको वहाँ से धक्का दे करके भगाया। क्यों? जब हमारा है ही नहीं मंदिर तो उन मंदिरों में जा करके मिलेगा क्या? दुत्कारी तो मिलेगी। अर्चना गौतम पहले तो ये क्लियर करे कि वो बोध है, गौतम लगाया ना पीछे जी। तो उन्हें बोध विहार जाना चाहिए, बोध मंदिर जाना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज। अर्चना गौतम की मैं बात कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया पे आज एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सर, जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में अर्चना गौतम तिरुपति मंदिर जाती है, वहां से उनका बहिष्कार कर दिया जाता है, किस प्रकार देख रहे हैं मुद्दे को? देखिए, ये जो षड्यंत्र चल रहा है, जो सिस्टम है, अर्चना गौतम पहले तो ये क्लियर करे कि वो बोध है, गौतम लगाया नाम पीछे जी, तो उन्हें बोध विहार जाना चाहिए, बोध मंदिर जाना चाहिए। बोध दुनिया भर के हमारे तीर्थ स्थल हैं, वहाँ जाना चाहिए। दीक्षा भूमि नागपुर में जाना चाहिए। तो अगर वो अपने आप को इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत में उन मंदिरों में जा रही है और समाज का नाम बोल रही है कि मैं दलित हूँ, मेरे को लिए भगा दिया वहाँ से, तो ये ऐसे चुनाव जिसने लड़ा कांग्रेस पार्टी से, उसके बावजूद इस तरीके की हरकत है और समाज को धुतकरवाने वाली बात करी जा रही है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उन पुजारियों को, उन मनवादियों को जिन्होंने उसको वहाँ से धक्का दे करके भगाया जी। क्यों? जब हमारा है ही नहीं मंदिर तो उन मंदिरों में जा करके मिलेगा क्या? धुतकारी तो मिलेगी, अपमानी तो मिलेगा, वहाँ सम्मान कौन सी बात देख रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो उसमें जा करके तुम, जहाँ हमारा इतिहास बराबर रहा है। बाबा साहब ने भी कालाराम मंदिर में धरना प्रदर्शन किया गया, जहाँ पत्थर बरसाए गए इन मनवादियों द्वारा, तो वहाँ हमारे लिए है क्या जी? तो ये सिर्फ एक सम्मान की लड़ाई थी, लेकिन ये बार बार अपमान करते हैं। कभी लोग जाते हैं शादी ब्याह करके वहाँ आशीर्वाद लेने के लिए, वहाँ उनको पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें लहूलुहान तक कर दिया था, लेकिन सर जा रहे हैं। ये जो आप इन्होंने किया, ये पॉलिटिकल गेम था, ये दलितों के प्रति एक आस्थावादी बनाने के लिए, हाँ अपमान कर दिया, अपमान कर दिया। अरे तुम्हें वहाँ अपमान ही मिलता था, राष्ट्रपति गोविंद के साथ में किया गया, वो तो राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने बाद में क्या पब्लिकली मैसेज गया था, उन्होंने जीने पे ही वहाँ पे सीढ़ियों पे जा करके उन्हें दर्शन कराया, मम्मी उनकी पूजा पाठ कराई। तो आप है कौन भैया, किस स्थिति में कहाँ जा रहे हो? मैं सर इसी पे आप अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। सर, संविधान आज़ादी देता है हम सबको कि हम स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी चल आचरण कर सकते हैं, लेकिन सर आज कहीं ना कहीं ये लोग वही कह रहे हैं कि लोकप्रियता पाने के चक्कर में एक्ट्रेस इस तरह के स्टंट का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, ये जो जैसे सिस्टम चल रहा है, गंदी राजनीति का दो दौर चल रहा है जी। आज देख लीजिए, मुसलमानों को मंदिर में जा करके ऐब करवा देते हैं, उनको जाके मस्जिदों में ऐब कराते हैं, दंगा हिंदू मुस्लिम करा देते हैं, एक नया जुगुफा फिर शुरू करवा दिया ये जो बात कर रहे हैं। अरे तुमने 10-11 हज़ार रुपये दे करके वीवीआईपी बात कह रहे हो, तुम्हें वीवीआईपी पूजा कराने, दर्शन कराने थे? अरे तुम किसी भूखे को इतना दे देते 10-11 हज़ार, उन्हें कपड़ा दे देते, उनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास में पेट में खाना नहीं है उन्हें खाना दे देते, ऐसा काम किया इसने और समाज को कलंकित करने वाला काम करा ऐसी जगह जाने का। मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि ये गौतम अपना नाम निकाल हटाए पीछे से जी। अगर ये गौतम है बौद्ध धर्म को मानने वाली है तो बौद्ध मंदिर जाए, ऐसी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारा है ही नहीं तो वहाँ जाके करना क्या? हमें पता है अपमान के सिवा, दुत्कार के सिवा कुछ नहीं मिलना, और आपकी जेब के कमाए हुए जो मेहनत से पैसे हैं वो और ख़राब होता है, आपका समय ख़राब होता है। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए और ऐसी उच्च राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर उसके साथ में
कोई भी किसी भी तरीके से बदतमीजी या उसको वहाँ से निकाल के भगाया, मैं तो थैंक यू फिर दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा किया। जो भी ऐसे जाता है एससी एसटी ओबीसी वाला जो जाता है भगाओ, बढ़िया। जो काम बुद्धिजीवी वर्ग को करना चाहिए, समझा रहे हैं, समझने को तैयार नहीं है, वो फिर भी जा करके गालियाँ खा रहे हैं, धुतकार खा रहे हैं, तो उनके साथ यही होना चाहिए। और जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद।